बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हमून, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोम पाकपुर। सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इन्हें लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। आज मैं बना रही हूँ आलू और बेसन के चिप्स, तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपके साथ भी शेयर करते हैं। 1 किलो आलू लिए, इन्हें अच्छी तरह से धो के तो ऐसे काट लिए। 1.5 पाव मैंने बेसन लिया, इसे अच्छी तरह से छान के एक बाउल में डाल लिया। ये हरा धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई है, इन्हें भी अच्छी तरह से धो लिया। 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 चम्मच, हल्दी 2 से 3 चुटकी, और ये मिक्स मसाला जो है ये भी 1 चम्मच। अब ये मसाला सारा इस बेसन में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मसाले सारे बेसन में डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें पानी डाल के इसका मिक्सचर जो है वो बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पानी डाल के मैंने मिक्सचर जो है वो तैयार कर लिया। इतना गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना और इसको पतला भी नहीं करना। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च जो कटी हुई है ये भी डाल के इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हरा धनिया और हरी मिर्च भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद चिप्स बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हो गए हैं बेसन का मिक्सचर बनाए हुए, तो अब इसमें आलू डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले से डाल के रख दिया है और ये अच्छी तरह से गर्म भी हो गया है। अब ये चिप्स जो है फ्राई करते हैं। आप देख सकते हैं चिप्स जो है मैंने कढ़ाई में डाल लिए हैं। अब इनको दरमियानी आंच पे पका लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। 2 मिनट हो गए हैं एक साइड से पकते हुए, अब इनकी साइडें जो है वो चेंज कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा जो है इनका कलर आ रहा है। आलू के चिप्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए। अब इनको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और बाकी के जो चिप्स हैं वो भी इसी तरह से बना लेते हैं। दूसरी बार भी मैंने चिप्स जो हैं वो डाल दिए ऑयल में। अब इनको भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं ये आलू के चिप्स बेसन वाले बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, मैंने डिश आउट कर दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल मोम पाकपुर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम आसानियां नसीब फरमाए। इसी के साथ मुन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।